सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और क्या हाल चाल हैं आपके? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि आज मेरे घर आने वाली है मेरी फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहती है, और नाम है उसका रुखसाना। और वो मेरी क्लासमेट थी एक्चुअली, और काफ़ी लंबे टाइम आज हम लोग टाइम बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। मुश्किल से साल दो साल में हमारी एक मुलाकात हो पाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है जब हम लोग जो है एक साथ मिलने वाले हैं। और उन्हें दावत कर रही हूँ, दावत कह लें या कुछ स्पेशल थोड़ा सा एहतमाम कर रही हूँ खाने का, इसलिए उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे फालूदा। तो दूध को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और फालूदा जो है वो रबड़ी फ्लेवर वाला फालूदा था मेरे पास, तो उसे मैं इसमें डाल दी हूँ। बहुत ही सही और रीज़नेबल लगता है, ये 70 रुपीज़ का आता है, और एक लीटर दूध में आप बनाओगे ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन क्वांटिटी इनकी अब पता नहीं क्यों इतनी कम हो गई, या फिर आजकल रिस्क से बरकतें उठ गई हैं कि बहुत कम लोग जो है इसमें खा पाते हैं। खैर, जितने मेहमान आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह सफिशिएंट होगा ये। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छे से कुक कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट में ये आपका बन करके रेडी हो जाता है। बस जो शुगर है और जो उसे अच्छे से पक जाना चाहिए, और जो फालूदा रहता वो भी अच्छे से गल जानी चाहिए। तो उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे ना अंडे जो है वो बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। आज बना रही हूँ वैसे चिकन पुलाव, तो चिकन के लिए यहाँ पे ऑयल को हीट की हूँ, और आधा केजी से भी ज़्यादा मैंने जो है प्याज लिया है यहाँ पे, क्योंकि देसी चिकन बना रही हूँ और इसमें ना मसाले प्याज वगैरह अच्छे से डालने होते हैं। तो ऑयल को हीट करने के बाद इसमें मैं जो प्याज कट करके रखी थी उसे फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने ना मसाले जो उसमें डालने हैं वो भी यहाँ पे तैयार रखे हैं। तो जिंजर गार्लिक एंड अनियंस का जो पेस्ट मैं कल रात बनाई थी उसी में रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी गोलकी पाउडर जो होती है वो सब इसमें डाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर प्याज मेरे जब तक वो गरम हो रहे हैं या फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक मैं नाश्ता कर ली थी, तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है। थोड़ी सी सब्ज़ी और एक रोटी मैं खा रही हूँ। और ये देखें, यहाँ पे अनियंस जो है मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें चिकन को डाल रही हूँ। अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, पहले चिकन को डाल के अच्छे से चलाऊँगी, और उसके बाद इसमें जो सारे मसाले मैं रखी थी निकाल करके उसे इसमें डाल रही हूँ। तो चिकन की हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ना मसाले थोड़े कम लग रहे थे। साथ ही एक दूसरे बर्तन में मैं यहाँ पे ऑयल हीट करके जो आलू है ना उसे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी चिकन पुलाव बनता है तो उसमें आलू ज़रूर डालते हैं, सबको ही पसंद आता है। तो यहाँ पर आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं, ऊपर से हल्का सा सॉल्ट डाल रही हूँ, और तो कुछ भी नहीं डालूँगी। और साथ ही यहाँ पे जो अंडे बॉईल करके रखे थे ना उसे भी फ्राई करके निकाल ली हूँ, इसे लास्ट में मैं सर्विंग के टाइम में ग्रेवी में डालूँगी। और ये देखिए, चिकन जो है ना इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, और मसाला कम लग रहा था तो मैंने इसमें और थोड़े थोड़े से मसाले अंदाज के हिसाब से डाल दिए थे। और इसके बाद यहाँ पर आलू भी मेरे जो है ये फ्राई हो गए हैं, इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन टाइप का कर ली हूँ। और यहाँ पे चिकन में मैं ग्रीन चिल्ली जो है वो ऐड कर रही हूँ। चिकन हमारे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इसका पानी, इसे मैं काफ़ी अच्छे से भून दी थी। उसके बाद इसमें आलू डाली हूँ और पानी, और अभी यहाँ पे हम लोग जो पुलाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है ऑयल में, और उसके बाद इसमें ग्रीन चिल्ली डाली हूँ, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालते हैं हम लोग। साथ ही यहाँ पे जो आधा नारियल था ना उसे मैं यहाँ पे पीस ली हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल रही हूँ, और मैं चिकन में जो गरम मसाला है ना काफ़ी लेट से डाली थी, वो शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद नमक इसमें डाली हूँ, और इसमें अंदाज के हिसाब से जितना हमारा राइस है उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसमें नारियल का पेस्ट डाल रही हूँ। तो हमारे यहाँ पुलाव में अक्सर नारियल का पेस्ट जो है डलता ही है वो पानी में बॉईल आने के बाद, इससे एक अलग तरह का फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है राइस में। और साथ ही फूड कलर ये भी हमारे यहाँ जो है ना अक्सर डलता ही है पुलाव में, क्योंकि इससे अच्छा सा कलरफुल सा एक अट्रैक्टिव सा जो है लुक आ जाता है। तो ये देखिए, जो पानी है हमारा इसमें काफ़ी अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो अब इसमें हम लोग राइस को ऐड कर देंगे। राइस को पहले सोक करके रखा था हमने, वॉश करके उसके बाद इसे स्ट्रेन कर दिया था, और इसे अब इसमें डाल रहे हैं। एक बार हाई फ्लेम में खूब अच्छे से इसे कुक होने देना है, उसके बाद जो है ना मीडियम फ्लेम
फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छे से हो जाए, और लास्ट में जब ये लगे कि 90% कुक हो गया तो इसमें हम लोग जो है फूड कलर डाल देते हैं और फिर इसे दम में रख देते हैं और तब ये कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है खाना निकल रहा है, तो सैलेड है ये, एक की ग्रेवी, मतलब उसी ग्रेवी में हमने एग डाल दिया था, और ये चिकन, और ये हमारा राइस जो पुलाव है वो भी रेडी हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो दोस्त मेरी आई थी उन लोगों को भी काफ़ी पसंद आया था। दोस्तों के साथ बहुत ही कम मैं शेयर कर पाई, क्लिप जो है वो शेयर कर पाऊँगी आपके साथ, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा बातें करने लगे थे और बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने ज़्यादा जो है इंजॉय कर रहे थे, इतने ज़्यादा ही बदमाशियां कर रहे थे कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। यूसुफ चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया था। खाने के बाद आम और फालूदा जो है वो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करें और बातें करें। वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्माइल। तो गाइस माशाल्लाह बच्चे गिफ्ट्स लेकर के बहुत खुश हो गए थे, बहुत एक्साइटेड भी हो गए थे, और उसके बाद ना वो लोग चले गए और मैं रात का सीधा आपके साथ डिनर टाइम का जो है वो क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डिनर थोड़ा जल्दी कर रही थी और थोड़ा सा रिच फूड जो है आज चल रहा है हमारा, कल से पूरा कंट्रोल करना है पोर्शन। और साथ ही ना यूसुफ की जो खाला जान आई थी आज, तो वो यूसुफ के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के आई थी, ये अल्फ़ाबेट का जो है शीट है। तो आगे का क्लिप आप ज़रूर देखिएगा, उसमें यूसुफ की बातें हैं। और आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करूँगी, बट आखिरी का क्लिप आप ज़रूर देखेंगे, अपना ख्याल रखें। खाला जान ला के दी, थैंक यू बोलो खाला को, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। गिफ्ट दिखाओ, और ये क्या है, ये है यूसुफ बाबा का लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, और साथ ही ये है अल्फाबेट्स। इसमें क्या लिखा है यूसुफ? ABCD। माशाल्लाह। और जी डी सी डी नहीं, चलो अब हम लोग वन टू नहीं है, अल्फाबेट्स है, वन टू नहीं है, अल्फाबेट्स है। ठीक है, टाटा बाय, टाटा बाय। ओपन एंड टेक आउट द अल्फाबेट लेटर्स वन बाय वन। हाँ ये ऐसे निकल जाएगा, ए को निकालो, ए। पहले सी को लगाओ, ए भी लगा दिए ना, उसी तरह से सी को प्लेस कीजिए। प्लेस करो, वेरी गुड, क्लैपिंग, क्लैपिंग करो, क्लैप करो, पहले पहले क्लैप करो। क्लैप कैसे होता है? हाँ ऐसे, रुको रुको, नीचे रखो शीट, नीचे रखो, मम्मा हेल्प करेगी, नीचे रखो। अभी आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डी, डी कौन सा है, कहाँ गया डी, देखो दिस इज द डी। अब डी को प्लेस करो इसमें, चलो रुको 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 रुको, डी को अच्छे से लगाइए, आराम से ऐसे करके, डी लग गया। अब ई चाहिए, ई कहाँ गया, ये रहा ई, ई को लगाओ, वेरी गुड। वेयर इज एफ, वेयर इज एफ, सी, एफ इज हियर, एफ को इसमें प्लेस करो, एफ को प्लेस करो आराम से, रुको रुको रुको, देखो जी, जी को प्लेस करो, क्या है ये, जी, वेरी गुड। अब क्लैप करो, माशाल्लाह।